हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, यहाँ पर जो क्या है, एक अपडेट आई है व्यापम सब इंजीनियर के मुताबिक, और भी जो परीक्षाएं जो व्यापम लेने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई है। उसके कारण ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि यार एग्ज़ाम होना भी है कि नहीं होना है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक अपडेट है और उसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग पहली बार चैनल से जुड़ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए गाइस, इस वीडियो करते हैं हम शुरुआत। तो गाइस देख सकते हैं, एक पेपर की कटिंग मैं आप सभी के सामने लाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं PEB सितंबर अक्टूबर नवंबर में होने हैं एग्जाम। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, PEB ने अभी 2-3 महीने पहले अपना एक नया कैलेंडर जारी किया था, जिसमें 9 एग्ज़ाम की लिस्ट थी जो कि सितंबर अक्टूबर और नवंबर में होने थे। ठीक है, अभी जो लाइंड अप एग्ज़ाम कौन कौन से थे, एक वो कृषि वरिष्ठ उद्यान अधिकारी और एक अपना जो सब इंजीनियर का है, तो उसके तो नोटिफिकेशन भी आ गया था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें थी। तो सब इंजीनियर का 21 अगस्त में होना था। फिलहाल में हम इसमें देखते हैं कि लिखा है कि 9 परीक्षाएं मुश्किल में, 3 करोड़ के लिए निजी कॉलेजों का एग्ज़ाम कराने से इंकार। इसका ये कहना क्या जा रहा है, इसका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे, जैसे अपना कॉन्स्टेबल वगैरह, यहाँ पर दिखा देता हूँ, अब लिखा भी है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि इससे पहले जो कॉन्स्टेबल वगैरह का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्या था कि यहाँ पर लिखा है कि PEB ने एग्ज़ाम कराने का काम ADQT नामक एजेंसी को दिया था। उसने अपना काम एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को दिया। ठीक है, फिर इस एजेंसी ने भोपाल के 29 और पूरे मध्य प्रदेश के 120 कॉलेजों में एग्ज़ाम कराने के लिए टाइप किया था, और मुताबिक इसके क्या है कि उन्होंने जो इसका भुगतान है वह 25% ही किया है, मतलब लगभग 3 करोड़ रुपये अभी नहीं दिए हैं। तो इस कारण क्या है कि जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनको कराने से इन कॉलेजों ने साफ साफ मना कर दिया है। अब जब कोई एग्ज़ाम कराने वाला नहीं होगा तो एग्ज़ाम आप कहाँ जाके करेंगे, एक ये चीज़ इसमें क्लियर होती है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें साफ़ हो रही हैं, और एक तो अभी आज हो गई है 8 तारीख, और अभी तक व्यापम का सभी चीज़ों का जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो अभी तक नहीं आया, और 21 अगस्त को इसका डेट अभी भी दिखा रहा है। ठीक है, और आज क्या है, 8 जुलाई, मतलब लगभग डेट भी करीबन पास आ रही है, तो उसको अभी नोटिफिकेशन नया भी निकालना है, फिर देन उसके बाद उसके फॉर्म फिलअप को स्टार्ट भी करना है, उसमें भी समय लगता है, फिर एडमिट कार्ड भी रिलीज़ करना है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें अभी भी मुश्किल जा सकती है। और एक तो उन्होंने जो टेंडर कैंसिल किया था, अभी आपको पता होगा कि टेंडर कैंसिल हो चुका था वो एग्ज़ाम कराने वाला, तो उसका नया टेंडर भी जारी नहीं हुआ है। खैर, उसके बारे में हम उसमें बात अभी नहीं करेंगे। इसमें देख सकते हैं, इससे तो क्लियर होगा क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा है, साफ साफ इसमें लिखा है कि कॉलेजों ने जो है पेपर कराने से इनकार कर दिया। अगर उनकी पेमेंट समय पे हो जाती है तो समय पे पेपर हो भी जाएंगे, ऐसी भी कोई वो बात नहीं है। अगर पेमेंट सही समय पे हो जाती है तो पेपर भी समय पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपके लिए। तो आई होप ये थोड़ी बहुत काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें।